अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो बीजेपी का एक नीतीश राणे करके एक MLA है। ऑलरेडी 4 FIR हो चुकी है अप्रैल में, 2 महीने में। मतलब उसका ना कोई विकास पे बात होती है और ना कोई, खाली बस हिंदू मुसलमान को लड़ाना। लेकिन लोग समझ गए, कुछ थोड़े से लोग हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, और हम सब एक है और एक ही रहना चाहते हैं। रही गौ हत्या की बात, तो गौ हत्या अगर हमारे स्टेट में बैन है, मतलब बंदी है, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हम लोग पुलिस को भी साकारी करेंगे, मतलब पुलिस के साथ भी खड़े रहेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। देखो, आप गोरक्षक का काम कर रहे हो, तो आप कायदा कानून हाथ में नहीं ले सकते, पहली चीज़। क्योंकि पुलिस है ना, आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस जाएंगी वहाँ पे रेड करेंगी, और पुलिस उस पर जो भी कार्रवाई वो करेंगी। आपको किसने राइट्स दिया है कि आप किसी के गांव में घुसो, किसी के घर में घुसो और उनको मारो? ये गलत है, ये कानून हाथ में नहीं, कानून संविधान ये चलने, इंडिया है ये देश में, ये सब नहीं चलेगा। वो दादागिरी वाला भी है ये। अगर आपको कंप्लेंट करनी है, आप पुलिस को कंप्लेंट करो, पुलिस को साथ में लेके आओ, हम लोग भी आपके साथ आएंगे। जो गलत है वो गलत है। अगर ये स्टेट में बैन किया गया है और आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग भी आपके साथ आएंगे। लेकिन वो एक लेवल से, एक तरीका है, एक नॉर्मल तरीका है उसको करने का, उसको ट्रीट करने का, ना कि आप किसी के गांव में घुसो, किसी के घर में घुसो। हम लोग गोरक्षक है, बजरंग दल है, RSS है, कि कुछ भी कर सकते। ये कोई कुछ भी करने वाली चीज़ नहीं, ये देश है, संविधान से चलेगा। किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, पहली बात। और रही बात जो नीतीश राणे जो है, उसको बस भड़काने की बात है, आग निकाल दूंगा, हाथ तोड़ूंगा, पैर तोड़ूंगा। अरे मेरे भाई, कभी तूने चूहे को मारा है या कोई बिल्ली को मारा है? तो ये सब दादागिरी की भाषा मत कर। क्यों मालूम है? लोग समझ चुके हैं। आज लोगों ने जो इलेक्शन में जो दिखा है ना, एकजुट होके, तुम एक सोचो, तुम कुछ चंद लोगों की वजह से ऊपर सेंट्रल के लोगों को परेशानी हो गई। आज उनके MPs कितने थे? 313, कितने आ गए? 240, और फिर इससे उससे मदद लेके सरकार बनाना पड़ी। तो ये तुम लोगों की वजह से, कुछ तुम चंद लोग हैं जो भड़काव भाषण, और तुमको तो मेरे को लगता है मुसलमान को बोलना है, मस्जिद को बोलना है, उससे ही तुम फेमस होना चाहते। लेकिन तुमको एक बात पता नहीं है, नफ़रत कभी जीतती नहीं है सच्चाई और मोहब्बत के आगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग देश से प्यार करने वाले, हमको किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है और ना हम देंगे। अगर कभी ऐसा मौका आया तो देश में आप भगोड़े हो, भगोड़े आप भाग जाओगे, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन हम लोग बॉर्डर पे जाके मरने की ताकत है देश के लिए, ये ईमान है, ये हमारा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई, ये इतने दूर से आना और यहाँ पे हमारी जगह को, बोलते ना कुछ चंद लोग हैं, मैं बोलता हूँ ना, हमारे यहाँ पे भी कुछ 20-25 लोग हैं जिनको, बोलते ना कट्टरवादी है। अल्लाह उनको हिदायत दे, पहली बात। और दूसरी बात, दंगल करके ना तुम्हारा फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा है। जो नेता लोग चाहते हैं वो हिसाब से नहीं होना चाहिए। पब्लिक जो है ना, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं। इसके लिए देखो, हिंदू मुसलमान लड़ने के बाद नुकसान किसका है? एक नॉर्मल चीज़ से सोचो, जो भी है, तुम गोरक्षक है, तुम RSS, बजरंग, ज़रा सोचो। जो दंगल करेगा, जो स्पॉट पे मिलेगा, दोनों पे केसेस हो जाएंगे, तुम्हारे फैमिली परेशान, तुम परेशान। नेता क्या करेगा? नेता तुमको शाबाश शाबाश, अच्छा किया, तुम हिंदुत्व शेर है, ऐसा है वैसा है, ये बात करेंगे। तो मेरे भाई,
आप लोग समझो, पैसा आपका खर्चा हो जाएगा। वकील कितने लोग हैं आप देखो ना, जितने भी राइट्स में गए आज, उन लोग की हालत क्या है, हालत क्या है देखो। उनके घर में खाना नहीं बनता है, खाने के लिए पैसा किसने नेता ने दिया है, किसने दिया है, कुछ नहीं देते है लोग, बस तुमको यूज करते है, क्योंकि तुम्हारा माइंड वॉश करके यूज करते तुमको। इसके लिए मेरे भाई लोग, आप लोग समझ जाओ, क्योंकि ये इंसान ने आज तक नफरत ही फैलाया है। आज मेरे को एक बात बोलो, इनके डैड जो अब्बा जान है वो सीएम थे, तो उन्होंने कोकन के लिए क्या किया उसके ऊपर बात करो। ये जो बस हिंदू मुसलमान करने वाला रहते हैं ना, उसके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है काम का। कितने बोला कोकन में तुमने स्कूल, फ्री स्कूल बनाए, कितने फ्री हॉस्पिटल्स बनाए, इस पे बात करो, समझे। तो इस पे ये लोग बात कर नहीं सकते और ना इनसे होएंगी। तो जो भी है देखो, अपना जो महार तालुका है, जैसे मानगांव पोलत, ये लोग यहाँ पे कभी अपने पास हिंदू मुसलमान हम लोग सब मिलके रहे, बुद्ध समाज सब लोग हम लोग मिलके रहे, तो हमको मिलके रहना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। क्योंकि ये क्या है मालूम है, बोलते ना बस एक ही डायलॉग है, अपला बापूस बसला है सागर बंगल्यावर, अपला बाप ओढ़ती आए। अरे तेरा बाप ओरिजिनल कौन है, उसका नाम लेना मेरे भाई, इसको उसको बाप नहीं बनाते हम लोग, हमारा बाप ही किए, इसको उसको बाप नहीं बनाते। तो एक बात है फडणवीस जी, आप अकेले के होम मिनिस्टर हो क्या, ये मेरा सवाल है आपसे, कि आप पूरे जनता के हो, और अगर आप खाली नीतीश रानी के लिए हो तो वो भी हमें बता दीजिए, ताकि हमको भी समझेगा कि आप जनता के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और कोई भी पद रहने दो, एमएलए भी रहेगा तो एमएलए सबके लिए, जो एरिया में चुन के आया वो सब पब्लिक के लिए, एमपी भी रहेगा वो सबके लिए, ऐसा नहीं कि उसके कार्यकर्ता है उसके लिए। तो अगर है तो वो भी हमको बताए कि हम बस इन लोगों के काम करेंगे, बाकी तुम्हारे नहीं करेंगे। और आपको लोगों ने चुना है, ये आपको फ्री में मिला नहीं है। जैसा आईएएस बन के आते, आईपीएस बन के आते, पुलिस बन के आते, वकील बन, वो उनकी डिग्री है, उनका एजुकेशन है, उनका है वो प्रॉपर, तो उनको किसी ने दिया नहीं। और ये आप ग्राम लेवल से देखो, ग्रामीण लेवल से, जैसे सरपंच के लेवल से लेके आप एमपी तक चले जाओ, ये पब्लिक ने दी हुई चीज़ है, तो पब्लिक की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, और सब एक है, अच्छे से रहो। और ये फसाद है ना, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, इसमें बस नुकसानात ही नुकसानात है, यहाँ भी नुकसान वहाँ भी नुकसान, आखिर देश का नुकसान है। तो प्लीज़ इन नेताओं के भयका में मत आओ, ठीक है। और रही गो रक्षा की बात, ठीक है, तो आपके पास डिपार्टमेंट है वहाँ पे कंप्लेन करो, ठीक है। और अगर गलत है तो हम भी आपके साथ है, लेकिन जो आपका जो तरीका है ना वो ज़रा भी पसंद नहीं है। किसी के घर में घुसना, किसी को मारना, ये बहुत गलत चीज़ है। फिर अगर तुमको कोई, अगर एक नॉर्मल चीज़ है, अगर तुम्हारे घर में कोई आया और तुमको कोई मारने लगा, तुम उसको मारेंगे क्या नहीं मारेंगे, सेल्फ डिफेंस सबको अधिकार है, तो ये गलत मत करो। पुलिस को लेके जाओ और रेड करो, पुलिस को उसकी कार्रवाई करने दो, केस बनना जो बनता है बनाने दो, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, अने आज तक करते पुलिस वाले को कभी भी। तो यही चीज़ है। और मेरे भाई लोग एक रहो, अच्छे से रहो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इंशाल्लाह देखो इसमें जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि ये चीज़ क्या बोली गई है। और इन नेताओं के भयकावे में मत आओ, जो हम मज़हब के नाम पे हमको लड़ाने की कोशिश करते हैं। बस याद रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।